वाल्मीकि नगर स्थित ऐतिहासिक गंडक बराज के 24 नंबर फाटक के समीप बुधवार की शाम एक अज्ञात नेपाली युवक उम्र लगभग 38 वर्षीय के शव को गंडक नदी के पानी में तैर रहा था। गंडक नदी के तेज धारा में बहकर आया मृत युवक को नदी के पानी से बाहर निकालकर नेपाली पुलिस शव के पहचान करने में जुट गई है। इस बाबत पूछे जाने पर नेपाल के त्रिवेणी चौकी इंचार्ज राजीन राणा ने बताया कि त्रिवेणी वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष उमेश कार्की के सहयोग से दुम की बात के नेपाली प्रहरी के इंस्पेक्टर प्रेम बहादुर एवं त्रिवेणी चौकी के पुलिस के द्वारा अज्ञात युवक के शव को नदी के पानी से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल परासी भेज दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक दमकीवास पुलिस और त्रिवेणी चौकी पुलिस अज्ञात मृतक युवक के शव को पहचान करने में जुटी हुई है। एक हफ्ता के लिए हम आपका उसको पहचान के लिए हमें दिया परिपत्र। सर इस लाश का सर कहाँ का है? कहाँ का उसका पहचान ही नहीं हुआ। पहचान कहाँ का लाश है, कौन कौन जगह से बो गया उसका पहचान नहीं हुआ। उसका एक हफ्ता से हमें उसको हुआ परिपत्र पता जानकारी होगी तो उसको उसका आपन तक जिम्मेदारी जिला अस्पताल का औषध गंडा में।